नमस्कार मी प्रशांत सागवेकर सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र आजच्या ज्योतिष मंत्र या कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं आज पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आपल्या ज्योतिष मंत्र या कार्यक्रमात आपण दर आठवड्याला आठवड्याचं राशीभविष्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो तसंच एका प्रसिद्ध व्यक्तीच्या पत्रिकेमध्ये काय आहे त्याच्या कुंडलीमध्ये काय लिहिलंय त्याचे योग काय आहेत त्याचा भविष्य काळ कसा का असणार आहे या संदर्भात देखील आपण माहिती घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि या संदर्भात आपल्याला दर आठवड्याला मार्गदर्शन करत असतात सुप्रसिद्ध ज्योतिष आणि वास्तुतज्ञ पंडित आशिष कुमार तिवारी आपण सरांचं स्वागत करूया सर नमस्कार आपका तहे दिल से स्वागत आहे पंडित जी जानने से पहले इस सप्ताह के बारे में आप क्या कहेंगे यह जो अपना राशि फल है साप्ताहिक राशि फल होता है और 19 अक्टूबर दिन शनिवार से, से 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक का रहता है और यह जो हमारा राशि फल है दस यह चंद्र राशि पर आधारित है चंद्र राशि फल का मतलब यह होता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वही आपकी जन्म राशि होती है जैसे जन्म के समय यदि चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हो तो आपकी मतलब जो जन्म राशि है वह कर्क होती है जी तो आइए शुरू करते हैं आज का राशिफल इस आने वाला जो सप्ताह है इसका राशिफल तो पहली राशि आती है मेष राशि तो मेष राशि के जो जातक है इनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह शुरुआत में ही मतलब अच्छी रहेगी स्वास्थ्य में सुधार होगा बिगड़े हुए जो रिश्ते हैं उसमें सुधार हो जाएगा परिवार में सुख शांति बनी रहेगी घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं धन लाभ का विशेष योग बन रहा है लगभग पूरा सप्ताह सभी जातकों को शुभ फल दे सकता है विद्यार्थियों का पढ़ाई में विशेष मन लगेगा राजनीति जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें समाज में मान सम्मान पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और शुभ रंग है लाल एवं गुलाबी बिल्कुल तो ये जो मेष राशि के जो जातक है उनके लिए उपाय क्या कहेंगे उपाय इस वीक में इस हफ्ते में उपाय क्या करने चाहिए पूरे सप्ताह शिव जी को सफेद फूल एवं बिलपत अर्पित करें तो लाभ हो सकता है जी जी अगली राशि 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 आती है पंडित वृषभ वृषभ तो के जो जातक है, इनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा इनके लिए सप्ताह की शुरुआत में ही भागदौड़ हो सकती है विदेश यात्रा का योग बन रहा है शनिवार के दिन धन हानि एवं मानसिक कष्ट हो सकता है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन विशेष लाभ दे सकता है इसका मतलब यह है कि मतलब इन दिनों में काफ़ी अच्छा काम हो सकता है कोई भी कार्य करेंगे तो हो सकता है लाभ होगा और व्यापारियों को विशेष धन लाभ का युग बन रहा है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा नौकरी पेशावर को मतलब उनके कार्यस्थल में जो सहयोगी हैं महिला साथी हैं उससे उनको सहयोग मिलेगा फैशन एवं ग्लैमरस जगह से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है शुभ रंग है सफेद एवं क्रीम बिल्कुल तो तो वृषभ राशि के जो जातक है, उनके लिए उपाय क्या बताएंगे आप शिव जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करें लाभ हो सकता है बिल्कुल तो अब आए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत शुभ है शनिवार के दिन मित्रों से सहयोग मिल सकता है रविवार एवं सोमवार के दिन अपनी भावनाओं को दूसरे के ऊपर न थोपें इसका मतलब यह है कि कई बार लोग अपनी जो बातें होते हैं जो सोच होती है दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं उससे बचें तो लाभ रहेगा सभी जातकों को मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार शुक्रवार का जो दिन है विशेष लाभ देने वाला है इस सप्ताह महिलाओं के लिए विशेष लाभ का योग बन रहा है दैनिक रोजगार में लोगों को सफलता मिल सकती है व्यापारी वर्ग अपना नया व्यापार प्रारंभ कह सकते हैं शुभ रंग है पीला एवं नीला बिल्कुल तो आप जानते हैं उपायों के बारे में इन राशि के जो जातक है उनके लिए उपाय क्या बताएंगे पूरे सप्ताह को भांग एवं धतूरे का फल चढ़ाएं तो लाभ हो सकता है बिल्कुल तो अब आते हैं कर्क राशि के और कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा इस सप्ताह पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से इनको धन लाभ हो सकता है सभी जातकों को शनिवार रविवार एवं सोमवार का दिन लाभदायक हो सकता है इस सप्ताह वाहन एवं भूमि संबंधित लाभ का योग बन रहा है मंगलवार एवं बुधवार के दिन व्यथ की भागदौड़ हो सकती है जिस कारण मानसिक कष्ट एवं शारीरिक कष्ट हो सकता है गुरुवार एवं शुक्रवार के दिन लाइफ पार्टनर के साथ मिल सकता है परिवार में मांगलिक कार्य का योग बन रहा है विद्यार्थियों को विदेश से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं इसका मतलब यह है कि जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए यह सप्ताह में उनका कुछ काम हो सकता है महिलाओं के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है शुभ रंग है सफेद एवं लाल बिल्कुल तो अब बताइए उपायों के बारे में उपाय क्या करने चाहिए पूरे सप्ताह जी को दही से अभिषेक करें तो लाभ हो सकता है बिल्कुल अब आते हैं सिंह राशि के और सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा यह सप्ताह सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए विशेष लाभ का योग बना रहा है जी स्वास्थ्य में सुधार होगा बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार हो सकता है आत्मविश्वास बढ़ेगा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी यात्रा शुभ फल दे सकती है विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुभ फल देने वाला है सभी जातकों को धन लाभ के योग बन रहे हैं व्यापारियों को लाभ का योग बन रहा है महिलाओं के लिए यह सप्ताह शुभ है शुभ है मतलब है अच्छे है। उनको लाभदायक हो सकता है शुभ रंग है लाल एवं सफ़ेद बिल्कुल अब बताए उपायों के बारे में उपाय क्या करने चाहिए पूरे सप्ताह विष्णु चालीसा का पाठ करें तो लाभ हो सकता है बिल्कुल अब आते हैं कन्या राशि की ओर कन्या राशि के जो जातक है, उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा कन्या राशि के जो जातक हैं इनको सप्ताह की शुरुआत में गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है यात्रा का योग बन रहा है भाग्य साथ भाग्य का साथ मिल सकता है बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा नौकरी पेशा वर्ग को सहकर्मियों से सहयोग मिल सकता है रियल इस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ हो सकता है इस राशि के जो जातक हैं उनको माता पिता या माता पिता तुल्य व्यक्ति से लाभ का योग बन रहा है महिलाओं के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ फल देने वाला है शुभ रंग है हरा एवं नीला बिल्कुल अब बताए उपायों के बारे में उपाय क्या करने चाहिए देखिए उपाय करने से ऐसा होता है कि यदि कुछ अशुभ है तो शुभ हो जाता है पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं गणेश जी को दुर्गा अर्पित करें तो लाभ हो सकता है बिल्कुल तो अब आते हैं तुला राशि की ओर तुला राशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत शुभ है शनिवार के दिन पत्नी या प्रेमिका से धन लाभ हो सकता है या मतलब कोई लाभ लाभ हो सकता है रविवार एवं सोमवार के दिन वैद्य की भागदौड़ हो सकती है इस दिन एवं मतलब जो बाकी के दिन हैं मतलब जो अशुभ होते हैं उसमें वाणी में विशेष नियंत्रण रखना चाहिए तो अच्छा रहता है सभी जातकों को मंगलवार बुधवार एवं शुक्रवार का दिन विशेष लाभ दे सकता है मित्रों से एवं घर के परिवार से सहयोग मिल सकता है व्यापारी वर्ग एवं नौकरी पेशा वर्ग को धन लाभ के योग बन रहे हैं मतलब यह प्रमोशन भी हो सकता है शुभ रंग है क्रीम एवं नीला

मध्यम धन लाभ हो सकता है सभी जातकों को गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन लाभ दे सकता है राजनीति जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सामाजिक हानि हो सकती है सुब्रंग है शुभ रंग लाल एवं हरा बिल्कुल अब बताएं उपायों के बारे में उपाय क्या करने चाहिए इन राशि के जातकों ने पूरे सप्ताह शनि चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करें तो लाभ हो सकता है बिल्कुल अब आते हैं धनुराशि की और धनुराशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुभ फल दे सकता है व्यापारियों को रुका हुआ धन मिल सकता है नौकरी पेशावर को प्रमोशन मिल सकता है मंगलवार एवं बुधवार के दिन जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं सभी जातकों को गुरुवार एवं शुक्रवार के दिन काम का बोझ बढ़ सकता है जिसके कारण मानसिक शांति भंग हो सकती है शुभ रंग है पीला एवं लाल बिल्कुल अब बताए उपायों के बारे में उपाय क्या करने चाहिए पूरे सप्ताह विष्णु जी को पीला फूल एवं तुलसी अर्पित कहें तो लाभ हो सकता है बिल्कुल अब आते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में बिजी रहेंगे धन लाभ हो सकता है नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है रविवार एवं सोमवार का दिन महिलाओं को विशेष लाभ दे सकता है लाइफ पार्टनर से गिफ्ट मिल सकता है विद्यार्थियों को लाभ के योग बन रहे हैं वाहन एवं प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है राजनीति जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ का योग बन रहा है शुभ रंग है हरा एवं नीला बिल्कुल अब बताए उपायों के बारे में उपाय क्या करने चाहिए पूरे सप्ताह शनि चालीसा का पाठ करें एवं किसी निधन को यथाशक्ति धन दान दें तो लाभ हो सकता है बिल्कुल अब आते हैं कुंभ राशि की ओर कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा सप्ताह की शुरुआत बहुत शुभ रहने वाली है बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं स्वास्थ्य में सुधार का योग बन रहा है आत्मविश्वास बढ़ेगा वाहन एवं प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है महिलाओं के लिए यह सप्ताह शुभ है देखो दर्शको ऐसा है कि जब शुक्र शुभ प्रभाव में होते हैं तो महिलाओं के लिए शुभ प्रभाव होता है इसके लिए ऐसा मत सोचे कि सभी राशि महिलाओं के लिए शुभ है शुक्र का प्रभाव शुभ है इसके लिए महिलाओं के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है सभी जातकों के जो कार्य हैं पूर्ण हो सकते हैं व्यापारियों को व्यापार में लाभ हो सकता है विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा शुभ रंग है नीला एवं काला बिल्कुल अब बताए उपायों के बारे में उपाय क्या करने चाहिए पूरे सप्ताह शनि चालीसा का पाठ करें एवं शनिदेव को तिल तेल अर्पित करें तो लाभ हो सकता है बिल्कुल अब आती है आखिरी राशि आखिरी राशि होती है मीन तो मीन राशि के जो जातक है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा इस सप्ताह हाँ भाग्य का साथ मिल सकता है रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं धार्मिक यात्रा हो सकती है पत्नी या का से विशेष लाभ का योग बन रहा है बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह हाँ शुभ है व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ का योग बन रहा है भूमि एवं वाहन संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं सभी जातकों को गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन विशेष लाभ दे सकता है शुभ रंग है पीला एवं गुलाबी बिल्कुल अब बताएं उपायों के बारे में उपाय क्या करने चाहिए। पूरे सप्ताह चालीसा का पाठ करें एम सी जी को नित्य काले तिल अर्पित करें तो लाभ हो सकता है धन्यवाद पंडित जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस हफ्ते का आने वाले हफ्ते का जो राशिफल है वो आपने बताया पंडित जी ने अपने राशिफल पूर्णपण संगित है आता वे आठवड़ला राजकीय व्यक्तिम्वाचार भविष्य जाणून घेण्याचे त्यांच्या पुढच्या जीवनामध्ये त्यांच्या करिअरच्या बाबतीमध्ये त्यांच्या पत्रिकेमध्ये त्यांच्या कुंडलीमध्ये काय लिहिलं या या आहे याची उत्सुकता आपल्या सगळ्यांना असणार आहे कारण या आठवड्याचे जे राजकीय व्यक्तिमत्व आहे ते आहेत शिवभाटा म्हणजेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे पंडित पंडितजी बताइए आदित्य ठाकरे जी के लिए आने आनेवाला समय कैसे रहेगा क्या उनकी कुंडली में बहुत बड़ा कोई राजयोग लिखा हुआ है आप क्या बताएंगे जी आदित्य ठाकरे जी का जो जन्म है तेरह जून उन्नीस में हुआ है जन्म स्थान है मुंबई और जन्म समय है लगभग दोपहर के दो बजे इनकी जो जन्म राशि है वह मकर है जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है इसका स्वामी मंगल होता है और मित्रों मैं हमेशा यही बोलता हूँ शनि राहु केतु एवं मंगल राजनीति के कारक ग्रह होते हैं तो इनको राजनीति में लाभ है लग्न कन्या है इनका इसका स्वामी बुद्ध होता है आदित्य ठाकरे की जो जन्म कुंडली है उसमें मतलब ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण इस प्रकार है लग्न कन्या है सूर्य एवं बुध नवम भाव में वृषभ राशि में स्थित हैं इसे बुधादित्य योग कहा जाता है यह योग राजनीति में सफलता देने वाला योग होता है सप्तम भाव में मंगल मीन राशि में है एवं देव गुरु बृहस्पति दसम भाव में मिथुन राशि में है यहाँ पर मंगल देवगुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल रहा है दसम भाव से राजनीति का योग देखा जाता है इनका दसम भाव बहुत ही शुभ योग में है यह राजनीति में सफलता देने वाला योग होता है शुक्र अष्टम भाव में है यह मिश्रित फल देता है केतु एकादश भाव में है कर्क राशि में विराजमान है यह प्रबल राजकारक योग होता है इनके कुंडली में पंचम भाव में यानी मकर राशि में शनि चंद्र राहु की त्रिगही योग बना रहा है मतलब यहाँ पर देखेंगे तो योग और ग्रहण योग भी बन रहा है तो यह, मतलब यह जो योग होता है राजनीति में भ्रमित करने वाला होता है और कभी कभार मतलब निराशा हाथ लगती है तो ऐसे लोगों को लगता है कि मैं राजनीति में या अपने कार्य क्षेत्र में सफल हूँ या नहीं लेकिन जातकों मकर राशि के जो जातक होते हैं कोई भी कार्य जब तक पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक वो हार नहीं मानते हैं और वर्तमान में Osionfish. मकर राशि में शनि की साढ़े साती चल रही है शनि की साढ़े साती के दौरान ये महाराष्ट्र के मंत्री तो बने लेकिन शनि की साढ़े साती के कारण इनकी सरकार गिर गई थी इन्हें गुरु की महादशा 4 अप्रैल 2015 से लेकर 4 4 अप्रैल 2031 तक रहेगी देवगुरु बृहस्पति की महादशा शुभ फल देने वाली होती है और देवगुरु बृहस्पति ने ही इन्हें मंत्री बनाया था देखिए शनि की साढ़े चल रही थी लेकिन गुरु की महादशा थी इसके लिए ये मतलब मंत्री तो बन गए लेकिन शनि ने अपना प्रभाव दिखाया और शनि की अशुभ साढ़े के कारण इनकी सरा जो मतलब जो गवर्नमेंट थी सरकार थी वह गिर गई वर्तमान में इन्हें गुरु की महादशा में सुख की अंतरदशा चल रही है या शुभ फल देने वाली होती है अब जानते हैं अंक शास्त्र से इनका मूलांक चार है इसका जो स्वामी होता है राहु होता है और राहु राजनीतिक का कारक ग्रह माना गया है इनका जन्म तारीख है तेरह 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 मतलब होता है एक नंबर देखेंगे तो सूर्य का होता है तीन नंबर गुरु का होता है और यह शुभ फल माना जाता है और इनकी जो जन्म कुंडली है इसमें सूर्य एवं गुरु शुभ स्थिति में है यह राजनीति के लिए विशेष शुभ योग होता है मूलांक चार वाले जो जातक होते हैं मित्रों बेहद चतुर चालाक एवं कूटनीतिक होते हैं मतलब राजनीति के जितने भी गुण होने चाहिए वह पूरे होते हैं ऐसे जातक राजनीति में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं लेकिन कभी कभी क्योंकि राहु जिद्दी बनाते हैं ना तो अपनी जिद के कारण नुकसान कर बैठते हैं चार नंबर के जो लोग होते हैं इनका करियर शेयर बाजार राजनीति प्रशासन जज वकील आदि के क्षेत्रों में देखा गया है ये लोग अत्यंत भरोसेमंद और ज़िम्मेदार भी होते हैं कुल मिलाकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो इनका राजनीतिक भविष्य बहुत ही उज्जवल है बिलकुल ही अच्छी तरीके से जी ने हमें आदित्य ठाकरे जी के बारे में बताया है तो आने वाला सप्ताह हमने जान लिया है कि आदित्य जी के लिए कैसे रहेगा तो हम उन्हें शुभेच्छा देते हैं तर या आठवड्यामध्ये आदित्य ठाकरे यांचं भविष्य आपण जाणून घेतलं या आठवड्याचं संपूर्ण राशी भविष्य देखील आपण जाणून घेतलं हा कार्यक्रमाचा उद्देशच मुख्य हा आहे की आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक समस्या असतात अनेक अडचणी असतात आपल्याला नेहमी उत्सुकता असते की आपल्या भविष्यामध्ये काय वाढून ठेवलं आहे किंवा काय लिहिलेलं आहे ते जा प्रयत्न करतो आणि ज्या काही समस्या आहेत अड़चणी आहेत त्याच्यावरती आपल्याला उपाय मिळावा मार्गदर्शन मिळावं हाच या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतु है पंडित आशीष कुमार तिवारी जी बहुत ही धन्यवाद आपका आप आए इस एपिसोड पे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आज भी मार्गदर्शन किया तो आपको तहे दिल से धन्यवाद जी आप सभी को धन्यवाद प्रशांत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तर या आठवड्याच्या या ज्योतिष मंत्राच्या कार्यक्रमात इथे थांबण्याची वेळ झाली आहे पुढच्या आठवड्यात आपण पुन्हा भेटणार आहोत तोपर्यंत नमस्कार